गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन टुडे आई विल टीच यू जीके चैप्टर कलर्स एंड शेप्स। यू नो द नेम ऑफ कलर्स। डिफरेंट कलर्स हैव यू लर्न डिफरेंट कलर्स नेम अभिभाजी के लिए। बच्चों आज मैं जीके में आपको कलर और शेप के बारे में बताऊंगी। कलर में रंग शेप बीच आकार होता है। तो कलर जो होता है उसके आपके नाम तो जानते ही होंगे, जैसे आ ई डी रेड, रेड मीन्स लाल, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, येलो मीन्स पीला, पी आई एन के पिंक, पिंक मीन्स गुलाबी, बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, ब्राउन मीन्स भूरा, बी एल ए सी के ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट, व्हाइट मीन्स उजला, जी आर डबल जी एन ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा, बी एल यू ई व्हाइट ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, वायलेट बी आई ओ एच ई टी वायलेट, वायलेट मीन्स बैंगनी। तो ये इस तरह का कलर तो और बहुत सारा है, लेकिन थोड़े कलर का नाम मैं आपको बता रही हूँ। आर ई डे वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, पी आई एन के पिंक, बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, बी एल ए सी के ब्लैक, डब्ल्यू एच आई टी व्हाइट, जी आर डबल एन ग्रीन, बी एल यू ई ब्लू, ई आई ओ एल ई व्हाइट। तो ये कॉमन कलर है, इसका नाम तो आप लोग भी जानते होंगे। आपके बुक में भी कुछ कलर दिया हुआ है। तो व्हाट कलर इज दिस, दिस इज रेड, व्हाट कलर इज दिस, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज पिंक। तो यू नो द नेम्स ऑफ कलर्स, नाउ यू लर्न द शेप्स। शेप, अब हम आपको शेप के बारे में बताएंगे। तो ये शेप होता है, ऐसे आप मैथ में भी शेप पढ़ोगे, आपके जीके बुक में भी दिया हुआ है शेप्स। तो ये है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, इट हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर बट ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लेंगे टू सेंटीमीटर है, तो ये भी टू सेंटीमीटर ही होगा, ये भी टू सेंटीमीटर ही होगा, ये भी टू सेंटीमीटर ही होगा। तो इस स्क्वायर का सारों तरफ सारे साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर का एंगल होता है एस यू यू ए आर स्क्वायर। अब ये है सर्किल, सर्किल यानी ये राउंड शेप में होता है, गोल शेप में होता है, इसका कोई सी आई आर सी एल टी सर्किल। अब ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आर इक्वल, ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं, और ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होते हैं, यानी ये दो सेंटीमीटर है तो ये भी दो सेंटीमीटर, ये चार सेंटीमीटर तो ये भी चार सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल का स्पेलिंग होता है आर ई सी टी ए एल डी एल ई, रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो होता है वो थ्री साइड्स, इसमें थ्री साइड्स और थ्री कॉर्नर्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, मे बी इक्वल एंड नॉट मे बी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है इक्वल नहीं भी हो सकता है, ये चारों साइड जरूरी नहीं है जैसा ही हो, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो कितने आकार के होते हैं कोई जरूरी नहीं है, इसका तीनों साइड बराबर हो, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। टी आर आई ए एन जी एल ई। तो इसका स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और होता है अंडे का आकार का, इसे हम ओवल बोलते हैं, ओ वी ए एल ओवल। अब ये स्टार होता है,
उसे हम स्टार बोलते हैं, एस टी स्टार, इसे हम क्या बोलते हैं स्टार। एक फाइट होता है, फाइट का भी शेप होता है ऐसे, एस ई ए आर टी फाइट। तो इस तरह डिफरेंट शेप्स होते हैं, हमें उसका नाम जानना जरूरी है, ऐसे भी जानना जरूरी है किस तरह का ये शेप होता है। तो इस पॉइंट का चारों साइड बराबर होता है, सर्किल राउंड आकार का होता है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, ओवल का ये अंडे की आकार का होता है, ट्रायंगल में या ये स्टार में ऐसे बने होते हैं, हाइट इस आकार का होता है, डायमंड ऐसे होते हैं, इसका जी आई ए एम ओ एन डी। तो इस तरह डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, सोचे रहें। टुडे अपने हियर ओनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।